हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नारी की पहचान में। तो दोस्तों, आज बस पूरे दिन साफ सफाई चली है और घर का पेंट हुआ है। तो आज का आप मेरा ब्लॉग देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए और मेरे चैनल को शेयर भी करिए। दोस्तों, ये शाम का टाइम है और 6:30 बज रहे हैं और अभी हमने पेंट करना बंद किया है। अभी तो मेरे हस्बैंड काम कर ही रहे हैं, पेंट कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमें तो खाना भी बनाना होता है, इसलिए मैंने बंद कर दिया और अब मैं किचन में जाऊंगी काम करने के लिए। तो आज का ब्लॉग देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये है मेरा कमरा और सुबह 6 बजे उठ के सारे सामान हम बाहर किए, मैं और मेरे पतिदेव मिलके सारा कमरा खाली कर दिया हमने। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों के लिए जल्दी जल्दी मैंने पास्ता बना लिया क्योंकि आज बहुत सारा काम करना था, तो इनके टिफिन के लिए टाइम भी बहुत कम बचा हुआ था, तो मैंने पास्ता बना लिया। और अपनी बेटी के बाल बना रही हूँ मैं, इनका पेपर चल रहा है तो ये स्कूल जाएंगी अभी। और दिवाली के टाइम इतना काम हो जाता है ना दोस्तों कि बस पूछिए मत। हर औरत का ही होता है ये, सब काम कर करके थक जाते हैं दिवाली के टाइम पे। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ मिलके कर रही हूँ अपने रूम में कलर। और मुझे ना अपने घर में अपने हाथों से पेंट करना बहुत पसंद है, अपने घर को सजाना अपने ही हाथों से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शौक में वैसे तो मेरे पतिदेव करने नहीं देते हैं मुझे, बोलते कि नहीं हम कर लेंगे तुम छोड़ दो, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना रूम करना। और ऊपर में पिंक कलर है, पिंक कलर ऊपर मैं हस्बैंड कर रहे हैं क्योंकि ऊपर मैं नहीं कर पाऊंगी, नीचे मैं ही कर रही हूँ। बहुत सारा काम हो जाता है दोस्तों, सारे सामान इधर से उधर से इधर, अभी सब सेट करना है। कलर करना बड़ी बात नहीं होती है, सामान को अच्छे से सेट करना दोबारा से ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, ये पापा जी का रूम है और ये बहुत ही बड़ा है, तो हमने चूना करने वाले भैया को बुला लिया है, तो ये चूना कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। उधर भी 2 रूम है, इधर भी 1 रूम है, फिर आंगन है और बाहर तो पूरा चारों साइड से ही करना पड़ता है। और मैंने अपने रूम में कर लिया है और अब मैं धो रही हूँ, पानी बाहर निकाल रही हूँ थोड़ा सा ना, ये रूम वगैरह धो के चूना सब ब्रश से छुड़ाने के बाद पानी बाहर निकाल रहा है, ऐसे खाल में है इसलिए निकल नहीं रहा। और ये शाम का टाइम है, 6 तो बज गए हैं। अलमारी कर रही हूँ बरामदे का, जो लग रहा है मेरे से हो सकता है छोटे छोटे से उनको मैं कर दे रही हूँ। और इतनी थकावट हो गई है दोस्तों की खाना बनाने का तो मन ही नहीं हो रहा था, तो सबने बोला कि नमकीन चावल ही बना दो, तो मैं यहाँ नमकीन चावल बनाने लग गई। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ घी, नमकीन चावल बना रही हूँ, सबसे पहले घी डाल देंगे इसमें। और इसमें घी चाहे रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दी हूँ, कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने, इसके बाद खड़ा गरम मसाला डाल दिया है मैंने इसमें। और इसमें मैंने कटी हुई मिर्च डाल दी है, हरी मिर्च। इसके बाद मैंने 2 प्याज मीडियम साइज के काट के डाल दिए हैं, बारीक बारीक काट के, और इनको ब्राउन होने तक हम भून लेंगे।
दोस्तों ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है और टेस्टी भी लगता है खाने में बहुत। और अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं, दो छोटे छोटे टमाटर थे काट के। और इसमें मैं नमक डाल दूंगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। इसके बाद मैंने इसमें चना भिगोया हुआ था वो डाल दिया है। आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद सब्जी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने आलू डाल दिया है काट के। और इसको अच्छे से भून लेंगे एक मिनट के लिए। और इसमें मैंने मिक्स मसाला डाल दिया है, आप चाहें तो धनिया पाउडर डाल सकते हैं। और एक मिनट के लिए इसको पकने देंगे। इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें चावल धो के रखी थी, इसे मैंने चावल डाल दिया। और चावल को भी अच्छे से भून लेंगे एक मिनट के लिए। अच्छे से चला लेंगे दोस्तों, ये हमारे चावल भून चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और पानी ना मतलब जितना चावल बनाते हैं उसे थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फरफर बनना चाहिए। और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और एक सीटी आने तक ढक्कन बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक हम पकाएंगे जैसे कि चावल बनता है। और ये देखिए दोस्तों बन गए हमारे नमकीन चावल। इसमें मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं खत्म होता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए और शेयर भी करिए।